हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम टू एवरीवन। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे कि खुदा की आवाज़, द वॉइस ऑफ गॉड, हम कैसे सुन सकते हैं खुदा की आवाज़, और खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें किन असूलों के ऊपर अमल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बाइबल। हालेलुया, और खुदा कब कब हमसे बोलता है। हालेलुया, देखेंगे हम अय्यूब उसका चैप्टर 33 और उसकी वर्स 14 से मैं शुरू करूंगी। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल करे या ना करे। खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार, इंसान इसका ख्याल करे या ना करे। क्यों, ख्वाह में, रात को, रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, ख्वाह में, रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है। हालेलुया, ख्वाह में, रोया में बोलता है खुदा, जब लोगों को गहरी नींद आती है बिस्तर पर सोते वक्त। एक बार तब खुदा बोलता है, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद में, मकसूद से रोके और हरूर को इंसान से दूर करे, और उसकी जान को गड़े से बचाता है, और उसकी ज़िंदगी तलवार की मार से, उसकी ज़िंदगी को तलवार की मार से, और उसकी ज़िंदगी को गड़े की मार से, गड़े में गिरने से बचाता है। कैसे खुदा हमें बचाता है? अपनी आवाज़ के ज़रिए। खुदा हमें बचाता है अपनी आवाज़ के ज़रिए। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं सोने के लिए, तो जैसे हम पूरे दिन पर एक नज़र डालते हैं कि आज हमने ये किया, ये किया, और हमने ये काम आज किया, और ये हमारा काम सही हुआ या नहीं सही हुआ, क्या या हमने जो डिसीजन लिया या वो सही है या नहीं सही। जब हम ख्याली में सोचते हैं और एकदम से एक कंप्यूटर की तरह जैसे हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में एकदम से क्विक करके, अगर हमारे माइंड में कोई एक ऐसी बात आती है जो हमने दिन भर नहीं सोची होती हो, और हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, तो ये इट्स मीन्स कि ये खुदा की आवाज़ आई है, अगर वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है। हालेलुया, और ये ऐसा कब होता है? अगर हम रात को सोने से पहले खुदा के नाम को, खुदा के नाम की सताइश करते हैं और उसके कलाम को पढ़ते हैं, खुदा को अपने अंदर बसा कर, उसे अपने अंदर जगह देकर जब हम सोते हैं, तब खुदा भी हमारे अंदर आकर, सो नहीं जाता, तब खुदा हमारे अंदर आके वर्किंग करना शुरू करता है कि हमारे अंदर जो गंदा मवाद होता है, जो हमारे अंदर जो गंदी बातें होती हैं, जो गंदे हमारे अमाल होते हैं, उनको खुदा निकाल देता है, हमारी थॉट्स को चेंज करता है, हमारे माइंड को चेंज कर देता है। अब खुदा यहाँ पे कलाम में क्या कह रहा है कि मैं उसको उसकी जान को गड़े से बचाता हूँ, और उसकी ज़िंदगी को तलवार की मार से मैं बचाता हूँ, और ये बातें मैं तब कब करता हूँ? खुदा कहता है कि ये मैं बातों को तब करता हूँ, जब ख्वाब में करता हूँ, रात को रोया में करता हूँ, जब लोगों को गहरी नींद आती है, तब बिस्तर पर वो सोने के लिए लेटते हैं, मैं तब उनसे ये सारी बातें करता हूँ। अगर वो उनके कान खुले हैं तो वो मेरी बातों को सुन सकते हैं। कब हमारे कान खुले हो सकते हैं? हमारे कान तब खुले हो सकते हैं कि जब हमने बिस्तर पर लेटने से पहले, रात को सोने